क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 6 लास्ट चैप्टर लास्ट लेसन ऑफ द बुक क्लास 8 चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस। डू यू नो डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स, हाथ में पेन पेंसिल और रजिस्टर सामने रख लेना। वोकेबलरी मीन्स वर्ड पावर, ट्रांसलेशन और अदर थिंग्स, एक्स्ट्रा थिंग्स को राइट डाउन करने के लिए, लिखने के लिए। मीन्स कीप अ पेन पेंसिल एंड नोटबुक विद यू टू राइट डाउन द वोकैब, वर्ड पावर एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू एनी लाइन, एनी कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉक्स, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री, भारत की सरकार के पास एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय होता है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का, मानव संसाधन डेवलपमेंट का, मानव संसाधन विकास का। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस को कैसे डेवलप किया जाए, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए मानव संसाधन का, उसके लिए एक मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय होता है जो स्कीम्स प्लानिंग्स तैयार करता है। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985। इस मंत्रालय का गठन किया गया, क्रिएट किया गया, इसे बनाया गया था 1985 में विद एन एम, एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पज के साथ, टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स, लोगों की स्किल्स को, दक्षताओं को, कुशलताओं को, निपुणताओं को, उनकी स्पेशलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए इस मिनिस्ट्री को 1985 में गठित किया गया, सृजित किया गया। दिस जस्ट शोज, यह बस शो करता है, प्रकट करता है हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री, कि जो लोग हैं वो देश के लिए एक रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में कैसे महत्वपूर्ण हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। सेकेंड बॉक्स में क्या बात हो रही है, डू यू नो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पी के वी वाई, ये पी के वी वाई, ये जो लिखने की स्टाइल होती है डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ आपको, इस चीज़ को एक्रोनिम कहा जाता है। एक्रोनिम मीन्स द बिगनिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, शुरुआत के शब्दों के, शुरुआत के अक्षर जिनसे मिलाकर एक नया शब्द तैयार करते हैं। अब जैसे पी के वी वाई, ये एक्रोनिम हो गया किसका, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। तो दिस योजना वॉज स्टार्टेड इन 2015, इस योजना को 2015 में प्रारंभ किया गया, एमिंग उद्देश्य करते हुए, टारगेट करते हुए, लक्ष्य रखते हुए, किस चीज़ का, टू ट्रेन, प्रशिक्षित करने का 1 करोड़ इंडियन यूथ, 1 करोड़ नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को, फ्रॉम 2016 टू 2020, 2016 से 2020 के बीच 1 करोड़ भारतीय नौजवानों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया 2015 में। द ऑब्जेक्टिव डियर व्यूअर्स, आपकी आईसाइट, आपकी नज़र बिल्कुल उसी लाइन, उसी शब्दों पर होनी चाहिए जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम का पर्पज, इस स्कीम का उद्देश्य इज है टू इनकरेज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स कौशल, मतलब स्किल, निपुणता, दक्षता। इस स्कीम का उद्देश्य है कि लोगों में जो निपुणता है उसको इनकरेज करना, उत्साहवर्धन करना, उसको बढ़ाना, टुवार्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स। प्रोबेबल का मीन्स लिख लीजिए, प्रोबेबल का मीन्स हो जाएगा संभावित, मतलब जिसकी संभावना की जा सकती है, विच मे बी, विच कैन बी, मीन्स प्रोबेबल। तो
तो इसका उद्देश्य था कि एप्टीट्यूड को इनकरेज करना, किसमें, किसके प्रति, एम्प्लॉयबल स्किल्स मतलब रोजगार के लिए जो कुशलताएं निपुणताएं होती हैं उनके प्रति, दे करके, क्या दे करके, बाय गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग दे करके टू प्रोबेबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स, ऐसे अर्नर्स को जो प्रोबेबल हैं, संभावित हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, जो अस्तित्व में हैं। चैप्टर का स्टार्टिंग लाइन, पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, लोग होते हैं राष्ट्र का सबसे महान, सबसे अच्छा संसाधन। ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मीन निकलता है का की के, पजेसिव केस बनाने के लिए। नेचर्स बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब हो जाता है इनाम, उपहार, पुरस्कार, उदारता। तो प्रकृति की उदारता या प्रकृति का पुरस्कार बिकम्स सिग्निफिकेंट, मतलब नेचर का यह जो पुरस्कार हमें मिला है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओनली व्हेन, सिर्फ तब जब पीपल फाइंड इट यूजफुल, जब लोग इसे यूजफुल के रूप में, उपयोगी के रूप में पाते हैं। इट इज़ पीपल, यह लोग ही हैं, सॉरी, इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज, मतलब यह लोग ही हैं, लोग जो अपनी डिमांड्स, मांग और अपनी एबिलिटीज, अपनी कुशलताओं के साथ, देट टर्न देम, जो उन्हें टर्न करते हैं, उन्हें बनाते हैं इनटू रिसोर्सेस, जो इन चीज़ों को संसाधन बनाते हैं, संसाधन के रूप में बनाते हैं। हैंस, इस प्रकार मानव संसाधन होता है अल्टीमेट रिसोर्स। एक कैसा रिसोर्स होता है? अल्टीमेट रिसोर्स होता है। अल्टीमेट मीन्स आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं परम, सर्वोत्तम, अंतिम, तो सर्वोत्तम रिसोर्स होता है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड, स्वस्थ, शिक्षित और मोटिवेटेड मतलब प्रेरित लोग डेवलप, डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, ऐसे लोग विकास करते हैं संसाधनों का एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से। ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक अदर रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, मानव संसाधन अन्य संसाधनों की भांति, अन्य संसाधनों की तरह है, समान रूप से बटे हुए नहीं हैं संपूर्ण विश्व में। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, वे अलग अलग होते हैं, वे डिफरेंट हो जाते हैं, उनमें अंतर आ जाता है, किन चीज़ों में, किन रूपों में, उनकी एजुकेशनल लेवल्स में, उनकी एज में, सेक्स में, लिंग में, आयु में, और एजुकेशनल लेवल्स के आधार पर उनमें अंतर पाया जाता है। किन में? ह्यूमन रिसोर्सेस में। कहाँ? ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग, उनकी संख्या और उनकी विशेषताएं भी चेंजिंग, बदलती हुई होती हैं, बदलते रूप में होती हैं। ये पिक्चर को देखते हैं, देयर आर 500 चिल्ड्रेन इन माई स्कूल, ये मैम है कोई बोल रही है कि मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं। माई विलेज, अब ये कोई बच्चा बोल रहा है, माई विलेज हैज़ 1000 पीपल, मेरे गांव में 1000 लोग हैं, या मेरा गांव 1000 लोग रखता है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन हॉल वर्ल्ड, अब मैम पूछती हैं बच्चों से कि हाउ मेनी पीपल, कितने लोग आप सोचते हो विश्व में, कितने लोग हैं, आप क्या सोचते हो। देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास, मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं। और अब इस क्वेश्चन का जवाब, विश्व में कितने लोग हैं, तो ये एक बच्चा जवाब देता है, अराउंड 6.6 बिलियन पीपल। फिर अगला क्वेश्चन इनका, हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, इस संख्या को जो आपने बोली है इसको आप अंकों में कैसे लिखोगे, कैसे लिखते हो। नेक्स्ट पेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन। द वे, वह तरीका, वह रास्ता जिसमें या जिससे पीपल आर स्प्रेड, जिस तरीके से लोग फैले हैं अक्रॉस द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पर जिस तरह से लोग फैले हैं उसको जाना जाता है एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन,
उसको जनसंख्या विभाजन के पैटर्न के रूप में जाना जाता है। 90% से ज़्यादा विश्व की जनसंख्या के 90% से ज़्यादा भाग रहता है इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस, जो भूमि है, सतही भूमि है, सतह वाली भूमि, उस पर 30% के हिस्से पर रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। विश्व में जनसंख्या का विभाजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? एक्सट्रीमली, अत्यंत रूप से अनइवन, असमान है, मतलब इक्वली नहीं है। क्यों भाई? कि जैसे जो हिली एरियाज हैं, हिल एरियाज या प्लेट्यू वाली एरियाज हैं, उनमें कम पॉपुलेशन होती है। जो प्लेन एरियाज हैं उनमें ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। जैसे नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए, नॉर्थ प्लेन्स की बात की जाए, समतल मैदान, समतल भूमि वाले प्रदेश, शहर, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा क्राउडेड, भीड़ भरे होते हैं। समार कुछ होते हैं स्पेयरली पॉपुलेटेड, कम से कम जनसंख्या वाले होते हैं। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब अगर वर्ल्ड में बात की जाए तो वर्ल्ड में, विश्व में जो क्राउडेड एरियाज हैं वो साउथ के हिस्से की हैं और ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट का नाम है। तो विश्व में ये एरियाज क्राउडेड हैं, भीड़ वाली हैं, ज़्यादा जनसंख्या वाली हैं। यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, और कौन कौन सी, एशिया के अलावा कौन कौन सी क्राउडेड हैं? यूरोप, यूरोप कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटीट्यूड एरियाज। जो हाई लेटीट्यूड एरियाज होते हैं उनमें बहुत फ्यू पीपल, बहुत कम लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल डिजर्ट, ट्रॉपिकल डिजर्ट में भी बहुत कम लोग रहते हैं। हाई माउंटेंस, जो हाई माउंटेंस, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनमें भी कम लोग रहते हैं। और किस प्रकार की एरिया में कम लोग रहते हैं? एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स, और जो इक्वेटोरियल के जंगलों की एरिया है, इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीच की जो भूमध्य रेखा जो बीच में होती है, वो उसकी एरियाज में जो लोग, वहाँ पर भी बहुत कम लोग रहते हैं। तीन लाइन होती है ना कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होती है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, और लास्ट होती है भूमध्य रेखा के नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। बहुत सारे लोग रहते हैं इक्वेटर के, भूमध्य रेखा के नॉर्थ साइड में, उत्तरी साइड में, देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर का जो साउथ का भाग है उसकी तुलना में इक्वेटर का जो नॉर्थ का भाग है उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट, लगभग 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल, विश्व के लोगों का तिहाई भाग, 3/4, लिव इन टू कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका दो महाद्वीपों में निवास करता है इतना हिस्सा जनसंख्या का। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल, विश्व के लोग हैं उनका 60% इन स्टे निवास करता है, रहता है इन जस्ट 10 countries, सिर्फ 10 देशों में। ऑल ऑफ देम, उनमें से सब, हैव मोर देन 100 million पीपल, उनमें से सब के पास है मोर देन, से ज़्यादा, किससे ज़्यादा? 100 million पीपल से ज़्यादा लोग हैं इन 10 countries में। अब यहाँ पर ये कुछ डायग्राम चार्ट वगैरह दिए गए हैं, जैसे जापान का, रशियन फेडरेशन का, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना, इनके सामने ये कलर, डिफरेंट कलर हैं, पर्टिकुलर कलर हैं इन कंट्रीज़ के लिए। और यहाँ पर ये जो कलर हैं, ये इन कलर के आधार पर किस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है वो इस पिक्चर के माध्यम से बताई गई है। जो एशिया में रहते हैं वो इस कलर के लोग हैं, ये देखिए ऊपर, एशिया कॉन्टिनेंट के पीपल हो गए, बहुत क्राउडेड है। यूरोप का ये हो गया, ये आप देख लेना आराम से बच्चों। हाँ, अब एक्टिविटी में दिया है, देख लेना इसको, नेक्स्ट पेज।
पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 में क्या कंटेंट है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में जनसंख्या का एवरेज डेंसिटी, एक औसत घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनापन कितना है? 382 persons, 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं इंडिया में, ये एक औसत एवरेज है ये। अब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व, घना होना मतलब घनापन, डेंस होना। जनसंख्या का घनत्व होता है, क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या, लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर जो एरिया है, जो यूनिट में डिवाइड की गई है, उस एरिया में जो रहते हुए लोग हैं, उन लोगों की संख्या कही जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड, इसको साधारणतया अभिव्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है के रूप में, किसके रूप में? पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर के रूप में, प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का एवरेज डेंसिटी, औसत घनत्व इन द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व में है, कितना है? 51 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो साउथ सेंट्रल एशिया का भाग है उसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को फॉलो करते हुए, मिलाते हुए उनमें ज़्यादा घनत्व है। व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स, अब ये कन्वर्सेशन हो रहा है बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, एक कह रहा है कि व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, जब सभी 30 स्टूडेंट उपस्थित होते हैं तो, कोमा का मीन निकलता है तो, हमारा क्लासरूम लगता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला, भरा हुआ। लेकिन जब सेम क्लास इज सीटेड इन द स्कूल असेंबली हॉल, लेकिन सेम क्लास मतलब यही 30 स्टूडेंट की क्लास को जब स्कूल असेंबली हॉल में, बड़े हॉल में सीटेड किया जाता है, बिठाया जाता है, तो यह लगती है 30 स्टूडेंट की यह क्लास लगती है सीम होती है, सो ओपन एंड एम्प्टी, खाली खाली सी लगती है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर वो जो वॉल्यूम, उसका जो साइज़ है, जो जगह का, प्लेस का, वो बढ़ गया, तो घनापन कम हो जाएगा, जो डेंसिटी घनत्व है वो कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है, दूसरी बच्ची कह रही है, क्योंकि द साइज ऑफ एरिया ऑफ द हॉल, हॉल की एरिया का, हॉल का एरिया या हॉल का साइज इज मच लार्जर, ज़्यादा बड़ा है देन देट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का जो एरिया है, क्लासरूम का जो साइज है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज किसका है? जो असेंबली हॉल है। हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम इनटू द हॉल टू स्टार्ट्स लुकिंग क्राउडेड, लेकिन जब स्कूल के सारे बच्चे उस हॉल में आ जाते हैं, उस असेंबली हॉल में, तो असेंबली हॉल भी क्राउडेड लगने लगता है, भीड़ वाला लगने लगता है। अब है एक्टिविटी को देख लो, फिगर नंबर 6.2, एंड फाइंड आउट, और ढूंढो, पाओ ऑफ दीज कंट्रीज हाउ मैनी आर इन एशिया, कि एशिया कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्री हैं, कलर देम ऑन अ वर्ल्ड मैप, विश्व के मैप पर उनको, मानचित्र पर उनको कलर करो, रंग भरो उनमें। अब अगली हेडिंग इसकी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कारक या तत्व जो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं किस चीज़ को? जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन को, जनसंख्या को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को, जनसंख्या विभाजन को। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, भौगोलिक कारक क्या क्या होते हैं? पहला कारक होता है आपका टोपोग्राफी। ये टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ का जो लैंड, जो सरफेस है, भूमि है, तो जो प्लेन लैंड, मतलब टोपोग्राफी को आप लिख सकते हो हिंदी में कि लैंड, रिलेटेड टू लैंड कह सकते हो इसको, या
तल स्थल कह सकते हो, स्थल मंडल, स्थल रूप। पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स, लोग हमेशा प्राथमिकता देते हैं, वरीयता देते हैं, प्रिफर करते हैं प्लेन्स पर रहने के लिए, समतल भूमि पर रहने के लिए। रेदर देन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, किसके बजाय, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, पर्वत और पठारों पर रहने की बजाय समतल भूमि पर रहने को वरीयता देते हैं लोग हमेशा, क्योंकि दीज एरियाज, ये एरिया सुटेबल होती हैं फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई प्रोडक्शन वगैरह निर्माण के लिए, एंड सर्विस एक्टिविटीज़, और सर्विसेज को विभिन्न प्रकार के काम, सेवाएं करने के लिए। द गंगा प्लेन्स, जो गंगा के मैदान हैं, आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले स्थान कौन से हैं, गंगा के प्लेन्स हैं जो। वाइल, जबकि माउंटेन्स लाइक एंड्स, एल्प्स एंड हिमालयाज, हिमालय, एल्प्स और ये एंडिस जो पर्वत हैं, ये कैसे हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब हो जाएगा कम जनसंख्या वाले। देखो इसके ठीक पीछे हमने पढ़ा था स्पेयरली, स्पेयरली पॉपुलेटेड का मतलब होता था कम से कम जनसंख्या वाले, और स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब है कम जनसंख्या वाले। तो दूसरा भौगोलिक कारक जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है क्लाइमेट, जलवायु। लोग सामान्यतः अवॉइड करते हैं, किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, टालते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, मतलब अत्यंत वाली, भीषण वाली कोई भी जलवायु हो, चाहे भीषण गर्मी वाली हो, भीषण सर्दी वाली हो, तो जैसे यूरोप की एक्सट्रीम कोल्ड वाली क्लाइमेट है, वो अपनी एशिया में, अपना जो नॉर्थ इंडिया में ये जो चंबल रीजन है, यहाँ पर ये एक्सट्रीम हॉट वाली क्लाइमेट हो जाती है, बहुत गर्मी वाली जलवायु हो जाती है। उधर इंदौर या उधर की साइड वगैरह, उधर समशीतोष्ण वाली होती है, मतलब समान रूप से शीत धन उष्ण, ठंडी और गर्म लगभग सेम सेम। तो लोग हमेशा अवॉइड करते हैं अत्यंत वाली कंडीशन को, देट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, वो चाहे बहुत गर्म वाली हो या ठंडी वाली हो, जैसे सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान में बहुत गर्मी वाली रहती है, पोलर रीजन्स जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ जमी रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है हमेशा, ऑफ रसिया, रसिया का, कनाडा का और अंटार्कटिका का, इनका जो पोलर रीजन से ध्रुव वाला क्षेत्र है, इन पर बर्फ जमी रहती है। अंटार्कटिका पे तो 12 मंथ्स, ऑल द 12 मंथ्स, 12 महीने बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, और इसीलिए अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप, मतलब मोशन करता हुआ महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो कहीं किनारों पर बर्फ ज़्यादा पिघलना, कम पिघलना, ज़्यादा जम जाना, उस वजह से शेप में हल्का सा, माइनर सा चेंजिंग सा होता रहता है, इसलिए गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, बर्फ जमी रहती है, बर्फ वाइट होती है। सोइल, भूमि, भूमि कैसे प्रभावित करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। फर्टाइल सोइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड, उपयुक्त भूमि, उपयुक्त जमीन। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र पुत्र नदियों के जो समतल मैदान हैं, उपजाऊ मैदान हैं, और हुआंगहो, ये हुआंगहो रिवर का नेम है जो चाइना की है, जिसको चाइना का शोक, चीन का शोक, द सोर ऑफ चाइना, द पेन ऑफ चाइना भी कहा जाता है हुआंगहो नदी का, हुआंगहो नदी को। और ये हुआंगहो नदी कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ है इसका, टाइबेट प्लेटू, तिब्बत का जो पठार है वहाँ से निकलती है हुआंगहो नदी, और चांगजियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट, और इजिप्ट में, यूरोप में नील नदी आर डेंसली पॉपुलेटेड, इन जगहों के, इन जगहों के जो मैदान हैं, जो लैंड है वो बहुत पॉपुलेटेड हैं। वाटर, वाटर कैसे अफेक्ट करता है, पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल, लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ ताज़ा पानी, स्वच्छ पानी आसानी से उपलब्ध होता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जो रिवर वैलीज हैं,
नदियों की घाटियां हैं आर डेंसली पॉपुलेटेड, वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाली होती हैं, जबकि डिजर्ट्स हैव स्पेयर पॉपुलेशन, जबकि रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तान में कम जनसंख्या होती है। मिनरल्स, खनिज पदार्थ कैसे अफेक्ट करते हैं? एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स, मतलब एरिया जो जिन जिनमें जो मिनरल डिपॉजिट होता है, जमाव होता है खनिज पदार्थों का, वो एरियाज कैसी होती हैं? मोर पॉपुलेटेड, ज़्यादा जनसंख्या वाली। क्यों भैया? जहाँ ज़्यादा खनिज पदार्थ होंगे तो उनका प्रोडक्शन लोग ज़्यादा कर पाएंगे, वहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर ऑब्वियसली। जैसे डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की हीरों की खदानें, किम्बरले, आपने किम्बरले माइन का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका में हीरे की बहुत बड़ी खदान है ये। एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट में जो तेल की खोज हुई है, वहाँ पर तेल के बहुत सारे सोर्सेस हैं ज़मीन के अंदर, इस चीज़ ने क्या किया? लीड, यह चीज़ ले गई टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज, इन एरियाज में लोगों के सेटल होने के रूप को इस चीज़ ने बढ़ावा दिया, मिनरल्स की फाइंडिंग ने, मतलब वहाँ पर पाए जाते हैं मिनरल्स। अब अगला है इसमें सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऊपर हमने पढ़े थे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अब हैं सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक जो प्रभावित करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को, जनसंख्या के विभाजन को। इसमें पहला है सोशल, सामाजिक कारक क्या क्या होते हैं, तो बेटर हाउसिंग की जो एरियाज होती हैं, जहाँ अच्छा निवास, रहने का अच्छा निवास हो, शिक्षा का अच्छी व्यवस्था हो, एजुकेशन की, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, ऐसी एरिया ज़्यादा घनी आबादी वाली होती हैं, जैसे पुणे, पूना, ये मूसी नदी के किनारे है पूना, शिवाजी महाराज से बहुत अच्छे से रिलेटेड है ये। कल्चरल कैसे प्रभावित करती है? वह क्षेत्र विद रिलीजन, मतलब प्लेसेस रिलीजन, धर्म और संस्कृति के महत्व के क्षेत्र आकर्षित करते हैं लोगों को, जैसे वाराणसी हिंदुओं का हो गया, यरूशलम क्रिसेंट ईसाइयों का हो गया, एंड वेटिकन सिटी, ये यू नो यरूशलम, हाँ हाँ ठीक है, यहूदियों से भी रिलेटेड है, और वेटिकन सिटी ये पोप लोगों से रिलेटेड हो गया, वेटिकन सिटी जहाँ नो लेडी इज़ फाउंड, कोई महिला नहीं रहती है वहाँ, सारे मेन लोग ही रहते हैं, पुरुष। आर सम एग्जांपल्स, ये कुछ प्रकार के एग्जांपल हैं। आर्थिक कारक देख लीजिए, इंडस्ट्रियल एरियाज जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उपलब्ध कराते हैं रोजगार सुविधाएँ, रोजगार के अवसर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आकर्षित होते हैं इन एरियाज की तरफ, जैसे जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, ये दो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन, ये अच्छे से देखो, ये बहुत अच्छा है, जनसंख्या परिवर्तन, द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स, पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है, प्रदर्शित करता है यह शब्द, चेंज इन द, टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, एक निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या में बदलाव होना, परिवर्तन होना प्रदर्शित करता है इस टर्म को, पॉपुलेशन चेंज टर्म को। विश्व की जनसंख्या स्टेबल नहीं हो पाई है, स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, इट हैज़ इंक्रीज्ड, यह कैसी हो गई है, इंक्रीज्ड मतलब बढ़ना, मतलब यह बढ़ चुकी है, यह 6.3 फिगर में जो बताया गया है कि मैनीफोल्ड के रूप में, जो फिगर 6.3 में दिखाया है उस रूप में यह बढ़ गई है जनसंख्या। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, यह एक्चुअली किसके कारण होता है, जन्म और मृत्यु की जो संख्या होती है उसके कारण यह परिवर्तन होता है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास में, मानव के इतिहास का एक लंबा, एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड, एक लंबा अवधि, लंबा पीरियड, 1800 तक कैसा,
द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली, विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, स्टीडली मीन्स धीरे धीरे, स्लोली स्टीडली बट स्लोली, स्थिर रूप से बढ़ी लेकिन धीरे धीरे बढ़ी, स्टीडली मतलब स्थिरता से, स्टेबल होके, लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज वर बोर्न, बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ लेकिन उनकी मृत्यु भी हो गई, बहुत सारों की मृत्यु भी, बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हुई। यह था, क्या था, देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, किसके कारण था, यह क्या चीज़ थी, क्योंकि प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बच्चों का जन्म तो काफ़ी नंबर में हुआ, काफ़ी संख्या में हुआ, लेकिन मृत्यु भी ज़्यादा हुई। सफिशियंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल, पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था सभी लोगों के लिए। ये किस टाइम की बात हो रही है, 1800 के टाइम की बात हो रही है। लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस, जो किसान थे वो सक्षम नहीं थे प्रोड्यूस करने में, उत्पादन करने में, इनफ पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जितना उत्पादन होना चाहिए था भोजन का, अनाज का, वो करने में किसान सक्षम नहीं थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप जो टोटल इंक्रीज थी जनसंख्या की, जनसंख्या में वो बहुत लो थी, बहुत कम थी। 1804 में, 1804 में विश्व की जनसंख्या पहुंच गई 1 बिलियन पर। 155 ईयर्स लेटर, 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या पहुंच गई 3 बिलियन पर। यह इसलिए हुआ, यह ऐसा इसलिए है, दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस चीज को अक्सर जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, इस चीज को अक्सर प्रायः पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, मतलब अचानक से रैपिडली किसी चीज में वृद्धि हो जाना। 1999 में 40 वर्षों बाद जनसंख्या डबल हो गई, वो कितनी हो गई, 6 बिलियन हो गई, 3 की 6 हो गई। मुख्य कारण, इस ग्रोथ का मुख्य कारण था कि बेहतर खाद्य सुविधाएं, फूड सप्लाईज, खाद्य की आपूर्ति, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, दवाइयों की आपूर्ति अच्छी थी, बेहतर थी, मृत्यु में कमी होने लगी, मृत्यु दर में कमी होने लगी, घटने लगी मृत्यु दर, जबकि जो जन्म की संख्या थी, जन्म दर थी, वो स्टिल रिमेंड फेयरली हाई, जन्म दर अभी भी बहुत ऊंची थी, ज़्यादा थी। बर्थ्स आर यूजली मेजर्ड, जो जन्म दर होती है, जन्म होते हैं उनको अक्सर मापा जाता है बर्थ रेट टर्म से, बर्थ रेट शब्द से, जन्म दर, जैसे लाइव बर्थ्स की संख्या पर 1000 पीपल, 1000 लोगों में। डेथ्स आर यूजली मेजर्ड, मृत्यु को मेजर किया जाता है, मापा जाता है किस टर्म से, किस शब्द से, डेथ रेट शब्द से, जैसे 1000 पीपल में कितने लोगों की मृत्यु हुई। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र में लोगों का आना या लोगों का जाना कहलाता है पलायन। बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म और मृत्यु होते हैं किस कारण से, नेचुरल कॉजेज होते हैं, प्राकृतिक कारण होते हैं जनसंख्या परिवर्तन का। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, किसी देश का जन्मदर और मृत्यु दर के बीच कैसा डिफरेंस, प्राकृतिक डिफरेंस, नेचुरल डिफरेंस क्या कहलाता, डिफरेंस क्या कहलाता है, नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। जनसंख्या बढ़ती है, विश्व में जनसंख्या बढ़ती है मुख्य रूप से ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल जो प्राकृतिक ग्रोथ रेट है उसमें तीव्र परिवर्तन से, तीव्र परिवर्तन की वजह से मुख्य रूप से विश्व में जनसंख्या इंक्रीज होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट पेज नंबर 66। अब ये कुछ फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज, जनसंख्या वृद्धि कब होगी भाई, जब डेथ रेट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, बर्थ रेट ज़्यादा हो जाएगी।
पॉपुलेशन स्टडी एक स्थिर जनसंख्या क्या होती है जहां बर्थ रेट और डेथ रेट बोथ आर इक्वल, दोनों समान होती है, तो वो स्टडी स्थिर हुई कहलाती है। पॉपुलेशन का घटना क्या होता है, गिरावट क्या होती है उसमें, जब बर्थ रेट कम हो जाए और डेथ रेट ज़्यादा हो जाए। ये यहाँ पर लाइंस में यही चीज़ बताई गई है। माइग्रेशन इज अनदर वे, पलायन एक और तरीका है जिसके द्वारा लोगों का जो आकार है वो बदलता है। लोग मूव कर सकते हैं एक देश में या देशों के बीच में, लोग किसी एक देश के लिए मूव कर सकते हैं और दो देशों के बीच में, अन्य देशों के बीच में मूव कर सकते हैं। एमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो कंट्री छोड़ते हैं, और इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अराइव इन अ कंट्री, जो देश किसी देश में पहुंचते हैं। इनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इंग्लिश ग्रामर में जो लाइन आती है वो ये होती है, इमिग्रेंट को कहा जाता है अ पर्सन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, मतलब वहाँ परमानेंटली रहने के लिए जो आता है वो इमिग्रेंट कहा जाता है उसको, अप्रवासी, और एमिग्रेंट को कहा जाता है उत्प्रवासी। देश जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पा चुके हैं, क्या प्राप्त कर चुके हैं, क्या पा चुके हैं, इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन, मतलब उत्प्रवास का और अप्रवास का जो संख्या है, जो जो एक इन नंबर है वो उसको गेन कर चुके हैं, कौन कौन से, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। सूडान उदाहरण है ऐसे देश का जो एक्सपीरियंस कर चुका है, अनुभव कर चुका है जनसंख्या में लॉस का, जनसंख्या कम होने का, किस वजह से, ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन, मतलब सूडान से लोग अन्य देशों की तरफ चले गए, पलायन कर गए, इस वजह से वहाँ जनसंख्या में गिरावट आ गई, लॉस हो गया। जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय पलायन है, माइग्रेशन है, उसका एक जनरल ट्रेंड क्या होता है, फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक बेहतर रोजगार के अवसर की तलाश में कम विकसित राष्ट्रों से ज़्यादा विकसित राष्ट्रों की ओर जाना, राष्ट्रों में जाना, पलायन करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, मतलब कम विकसित देशों से ज़्यादा विकसित देशों में जाना, या फ्रॉम द रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाना, वही एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न क्या होते हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर वैरी अक्रॉस द वर्ल्ड, विश्व में, विश्व के चारों ओर, ऑल दो यद्यपि विश्व की टोटल पॉपुलेशन राइज कर रही है, बढ़ रही है तेज गति से, रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, सारे देश ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं कि सारे देशों में जनसंख्या बढ़ रही हो रैपिडली, तीव्र गति से। कुछ देश जैसे कि केन्या, ऐसे देशों के पास क्या होता है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स होती है, दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, ऐसी कंट्रीज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होती हैं, ऊंची होती हैं। अब विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन, अब बहुत सारे देशों में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है वो आई है, उस वजह से डेथ रेट कैसी हो गई है, बहुत घट चुकी है, गिर चुकी है, लेकिन जन्म दर अभी भी रिमेन है, स्थिर है, हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स, ऊंची दर में अभी भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। दूसरे देश जैसे कि ब्रिटेन, ब्रिटेन जैसे देशों में जनसंख्या ग्रोथ इज स्लोइंग, धीमी पड़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, लो डेथ रेट के कारण और लो बर्थ रेट के कारण, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर के कारण। नेक्स्ट है आपका 67 पेज है, और दिस इज द आई थिंक लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, नो वन और टू पेज अनदर, हाँ आई टेल पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या की बनावट संरचना, कंपोजिशन क्या होती है।
जो देश जितना क्राउडेड होता है वो उसके पास होता है लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस देश के पास बहुत कम करने को होता है क्या, आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास के स्तर पर बहुत कम काम करने को होता है, मतलब उस क्षेत्र में स्पेशल नहीं कर पाता है वो, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ये चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। जैसे कि उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान दोनों बहुत ज़्यादा डेंसली, बहुत ज़्यादा घने आबादी वाले, घने जनसंख्या वाले देश हैं, लेकिन जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकल डेवलप्ड देन बांग्लादेश, लेकिन जापान बांग्लादेश की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से विकसित देश है। समझने के लिए, क्या समझने के लिए, लोगों की भूमिका रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में लोगों का रोल, लोगों की भूमिका समझने के लिए हमें जरूरी होता है जानना, क्या जानना, मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़, गुणों के बारे में। पीपल वेराय ग्रेटली, लोग वेराय करते हैं, मतलब वैरायटी में होते हैं, किस चीज़ में, अपनी उम्र में, देयर एज, देयर सेक्स, देयर लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, अपने आर्थिक स्तर, व्यवसाय, अपनी स्वास्थ्य की कंडीशन और लिटरेसी लेवल, शिक्षा का स्तर, लिंग, आयु में। इट इज़ एसेंशियल, यह आवश्यक है, जरूरी है समझना इन विशेषताओं को, लोगों की इन विशेषताओं को समझना जरूरी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स, जनसंख्या की संरचना प्रदर्शित करती है टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के ढांचे को। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कंपोजिशन सहायता करती है हमें टू नो, जानने में, क्या जानने में, थोड़ा सा इसको देखें डायग्राम को। एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियल रिसोर्स, सभी, मतलब प्रत्येक मनुष्य एक रिसोर्स होता है, क्षमतावान, क्षमता वाला रिसोर्स होता है समाज के लिए। व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स, एक मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान होगा, सोचें आप क्या करोगे सोसाइटी, कंट्री के लिए। आई टेल स्टोरीज, अब एक महिला कह रही है कि मैं कहानियाँ सुनाती हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, मतलब नाती, पोता, पोती, पंती जो होते हैं उन लोगों को। आई बिल्ड ब्रिजेस, मैं पुल बनाता हूँ, ये इंजीनियर साहब हो गए। आई टेक केयर ऑफ माई होम, ये हाउस वाइफ, गृहिणी महिला हो गई, मैं अपने घर की देखभाल करती हूँ। आई एम अ फार्मर, आई सिंग एट वेडिंग्स, मैं शादी समारोहों में गाता हूँ। आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन्स टू क्योर कैंसर, मैं कैंसर के इलाज के लिए दवाइयाँ रिसर्च कर रही हूँ, ये डॉक्टर साहिबा हो गई, चिकित्सक, सॉरी, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक नहीं, डॉक्टर का मतलब कोविद, कवि कोविद कर सकें कहाँ थे, हनुमान जी की आरती में ये सुना होगा आपने। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स, कितने पुरुष और महिलाएं हैं, किस एज ग्रुप के हैं, दे बिलोंग टू, वे संबंध रखते हैं, हाउ एजुकेटेड, कितने शिक्षित हैं वे, और किस प्रकार के व्यवसाय में वे रोजगार करते हैं, एम्प्लॉय हैं, व्हाट देयर इनकम लेवल्स, उनके इनकम के, आय के स्तर क्या हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। स्टडी करने का एक इंटरेस्टिंग वे, जनसंख्या को स्टडी करने का, जनसंख्या की कंपोजिशन का अध्ययन करने का एक इंटरेस्टिंग वे है, क्या है, बाय लुकिंग ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। ये नीचे ये एक पिरामिड के आकार का दिया गया है, यहाँ पर सारे वो दिए गए हैं फॉर्मूला टाइप में, सारे समीकरण, तो वो बता रहा है। एन इंटरेस्टिंग वे ये है, ए पॉपुलेशन पिरामिड शोज, ये पॉपुलेशन का जो पिरामिड नीचे ये दिया गया है ये क्या प्रदर्शित करता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, जैसे 5 से 9 साल, 10 से 14 साल, ये इसमें मेंशन है, और टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज सब डिवाइड किया गया है, उप विभाजित किया गया है मेल और फीमेल में, और प्रत्येक ग्रुप में। व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम,
ये तिरंगे के आकार का डायग्राम क्या है, बच्चा पूछ रहा है। दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, यह जनसंख्या का एक पिरामिड है। पिरामिड के आधार पर जनसंख्या का कंपोजिशन हम समझ सकते हैं। कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, क्या मैं किसी देश की जनसंख्या को परीक्षण उसकी खोजबीन कर सकता हूँ? हाँ, लेट्स स्टडी थ्री कंट्रीज, आओ तीन देशों का अध्ययन करें। यह प्रदर्शित करता है प्रीसेंट नंबर्स, ये परसेंट नंबर नहीं है डियर व्यूअर्स, ये प्रीसेंट नंबर है, इसका मतलब है वर्तमान संख्या, इसका मतलब होता है। यह वर्तमान संख्या को प्रदर्शित करता है मेल्स और फीमेल्स की संख्या को किसी देश में, एलोंग विद देयर एज ग्रुप्स, उनके एज ग्रुप के साथ में। लास्ट पेज बचा है, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन के पिरामिड का जो आकार है वो बताता है लोगों की कहानी। पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस निश्चित देश में रह रहे लोगों की कहानी को बताता है ये पिरामिड। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या 15 साल से कम, 15 साल से नीचे के बच्चों की संख्या प्रदर्शित की गई है, शो की गई है। एट द बॉटम, बॉटम में, तली में, नीचे। एंड रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट करती है जी बर्थ्स को, बर्थ्स के जन्म के स्तर को। द साइज ऑफ द टॉप, जो ऊपर का है टॉप हिस्सा है वो प्रदर्शित करता है नंबर्स ऑफ एजड पीपल, ज़्यादा उम्र दराज, मतलब उम्र दराज लोगों की संख्या को, ज़्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या को जो 65 साल से ज़्यादा है ऊपर के हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स, और प्रदर्शित करता है द नंबर ऑफ डेथ्स, मृत्यु की संख्या को। पॉपुलेशन पिरामिड हमें यह भी बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स डिपेंडेंट्स आत्मनिर्भर निर्भर देयर आर इन अ कंट्री, एक देश में कितने डिपेंडेंट लोग हैं। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, दो ग्रुप दिए गए हैं, एक तो यंग डिपेंडेंट्स का जो 15 साल से बिलो हैं, और एक एल्डर डिपेंडेंट्स का जो निर्भर है किसी पर, मतलब जो छोटा बालक होता है माता पिता पर निर्भर होता है, और जो 65 ईयर से ऊपर के जो वृद्ध लोग हो जाते हैं वो अपने सन और ग्रैंड सन्स पर डिपेंड होते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, ये, और अब जो बीच की जो एज ग्रुप है वो इकोनॉमिकली एक्टिव होता है। भाई बच्चा तो कमाता नहीं है ना, बूढ़ा व्यक्ति कमा पाता है, कोई काम कर पाता है, जो बीच की उम्र वाले हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड किसी कंट्री का जिसमें जीवन और मृत्यु की दर दोनों हाई होती है इज ब्रॉड एट द बेस, वो नीचे बेस, बेस में ब्रॉड चौड़ा होता है, और रैपिडली नेरोज और संकरा होता जाता है टुवार्ड्स द टॉप, ऊपर की तरफ। मतलब ये देखो नीचे ये ब्रॉड है, चौड़ा है ये, और ऊपर पतला होता जाता है। ऐसे ही ज्योग्राफी में माउंटेन का साइज, पर्वत का साइज भी होता है, नीचे ऐसा होता है पर्वत और ऊपर जाके ऐसा सकरा होता जाता है और सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है। जैसे 8,850 मीटर पे जो एवरेस्ट पर्वत है, माउंटेन है, उसकी ये पीक होती है ऊपर, ये जो इसकी ये इसकी दी गई है, जो इसकी आगे देखेंगे हम लोग थे। दिस इज बिकेम सॉरी हाँ दिस इज बिकॉज ऑल दो, यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई सारे बच्चे जन्म लेते हैं और ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम, उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं अपनी इन्फेंसी में। इन्फेंसी मतलब जन्म लेने के बाद, नवजात कहते हैं जिसको। रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट, उनमें रिलेटिवली बहुत कम एडल्ट बन पाते हैं, बड़े हो पाते हैं। एंड देयर आर ए वेरी फ्यू पीपल, फ्यू ओल्ड पीपल, और बहुत कम ऐसे होते हैं उनमें से जो ज़्यादा उम्र पा लेते हैं, बुढ़ापे तक जीवित रहते हैं। इस सिचुएशन को टिपीफाई किया गया है, टिपीफाई करना मतलब रूपित करना, निरूपित करना, प्रतीक के माध्यम से, रूप के माध्यम से समझाना। पिरामिड में इसको टिपीफाई किया गया है, दर्शाया गया है केन्या देश के लिए, केन्या कंट्री के लिए। ऐसे देश जहाँ मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत यंग और डिक्रीजिंग, वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, जहाँ नौजवान लोग कम हो रहे हों,
पिरामिड में उसको ब्रॉड है वो उसका आकार, और इन द यंगर एज ग्रुप्स बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड दिस कैन बी सीन, इसे देखा जा सकता है पिरामिड में, इंडिया के पिरामिड में 6.8 फिगर में। इस प्रकार की जनसंख्या कंटेन करती है ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, नौजवान लोगों की संख्या ज़्यादा होना रखता है ऐसा देश, एंड विच मीन्स, और जिसका मतलब अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, एक मजबूत वहाँ पर श्रम शक्ति होती है, लेबर फोर्स होता है। जापान जैसे देश लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नेरो, उन देशों का पिरामिड कैसा नेरो, संकीर्ण होता है बेस में, नेरो होता है, संकीर्ण होता है। डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल, स्किल्ड मतलब कुशल, स्पिरिटेड मतलब साहसी और आशा से भरे हुए नौजवान लोग इंडोर करते हैं विद अ पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, किसी देश के भविष्य का जो आउटलुक होता है, आने वाला समय होता है, उसको निर्धारित करते हैं ऐसे लोग, यंग लोग। वी इन इंडिया, भारत में हम हैं भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं, इस प्रकार के रिसोर्स हमारे पास हैं, ह्यूमन रिसोर्स, दे मस्ट बी एजुकेटेड, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, एंड प्रोवाइडेड स्किल्स, और उनको स्किल्स दिए जाने चाहिए, दक्षताएं, कुशलताएं दी जानी चाहिए, सुविधाएं दी जानी चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए, टू बिकम, होने के लिए, क्या होने के लिए, बनने के लिए, एबल, एबल योग्य बनने के लिए, और प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव बनने के लिए।